नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2021 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेकंड शिफ्ट में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं उसके संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है कि नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन कौन सा था, तो इसका सही उत्तर है ए, पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह का आंकड़ा एकत्र करना। दूसरा है कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो सही उत्तर है ए, 2018। तीसरा है कि DRDO द्वारा विकसित COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है डी, डिप कोविन। और चौथा, इसका मिलान करना है, प्रदेश दिए गए हैं और खेल की प्रतियोगिताएँ दी गई, तो इसका सही उत्तर है सी। पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित राज्य ने स्कूल बैग नीति अपनाई है, तो ये है सही उत्तर इसका सी, दिल्ली। छठा है, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके अभिवृत्ति से, एटीट्यूड से, तो सही उत्तर है ए। सातवां है कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया था, तो सही उत्तर है ब्लूम ने, सी। आठवां है कि NAAC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर है डी। इसी प्रकार से इसका सही उत्तर है NAAC का डी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAAC। ये एक रैंकिंग प्रदान करती है सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को। नवा प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई, तो उसका सही उत्तर है 24 जुलाई 1968, और कोठारी आयोग नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सिफारिश की थी, तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई 24 जुलाई 1968 को, दूसरी 1986 में। दसवां है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विश्वविद्यालय परिसर में महिला सशक्तिकरण, तो इसका सही उत्तर है डी, सक्षम। और ग्यारहवां है कि निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर हम जानते हैं कि फायरफॉक्स, विंडो 90s, अवीरा, ये सभी सॉफ्टवेयर नहीं है, सी, टैली। टैली सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट का पैकेज है। बारहवां है कि 1 TB में कितने किसके समतुल्य होता, तो उसका सही उत्तर है सी, 10-24 GB। तेरहवां है कि संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है, तो कुकीज़ टेक्स्ट फाइल जो ब्रेव ब्राउज़र से प्राप्त सूचना है उसको प्रदान करती है, कुकीज़। वह है कि मोडम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर है पी, समकालिक। पंद्रवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी, टेलीग्राम। सोलहवां है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर है बी, 2011 से 2020। सत्रहवां है कि निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है एगोरिकस। इसका राइजोपस भी हो सकता है, तो ये थोड़ा संदेह में है, वैसे इसका एगेरिकस ही सही उत्तर है। अठारह है कि स्टेनसियस क्या है, तो ये अर्जेंटीना के जो बड़े पशु फार्म हैं उनको कहा जाता है, तो इसका 18वें का सही उत्तर है ए, बड़े पशु फार्म, एंटेनसियस। 19वां है चेर्नोबिल त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारक से हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ए, रेडियोधर्मी विकिरण। 20वां है कि जैव विविधता के क्षेत्र में किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, तो उसका सही उत्तर है ए, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 21वां है कि किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है, और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्र पार्टी या स्वराज पार्टी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है बी, चित्रंजन दास। 20वां है कि किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी कहा था, तो इसका उत्तर है बी। 23 है कि निम्नलिखित में कौन का यांत्रित सेल का एक रूप नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी, बेसाल्ट। बेसाल्ट
कायांतरित शैल नहीं है, अग्निशैल है। 24वां है कि महासागरीय जल में लवणता कब घटती है, तो इसका सही उत्तर है जब भारी वर्षा होती है। 24 का सही उत्तर है सी, वाष्पीकरण और हवा का वेग और आर्द्रता अधिक होने पर इसमें लवणता बढ़ती है जबकि वर्षा से घटती है। 25वां है कि अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है बी, प्री कैम्ब्रियन। अरावली श्रृंखला का संबंध जो है वो प्री कैम्ब्रियन से है। इसी प्रकार से 26वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में की गई है और राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, भारत की संसद, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय या सभी पदाधिकारी, तो इस प्रकार से सही उत्तर है डी, 26 का सही उत्तर है डी। 27वां है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A संशोधन किया गया था, तो ये कौन सा किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से। तो 27 का सही है सी। इसी प्रकार से 28 संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट, तो वार्षिक बजट का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 112 में, तो इसका सही उत्तर है बी। 29वां है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कायोत्तर कानूनों से संरक्षण, तो इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 20 सब अनुच्छेद 1, सही उत्तर है सी। 30वां है कि 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों JRD टाटा, GD बिरला, ये इन्होंने कौन सी एक योजना प्रस्तावित की, उस योजना को कहा जाता है बॉम्बे प्लान, तो इसका सही उत्तर है 30 का ए।